हेलो गाइस, वापस से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पी के ब्लॉग्स मुंगेर वाला। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और हमने आज का ट्रिप बनाया है बाबा नगरी देवघर का, जो कि झारखंड में पड़ता है, मुंगेर से 136 किलोमीटर दूर। सो आज हमने प्लान बनाया है बाबा की नगरी जाने का। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी रास्ते में हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे बाबा की नगरी, फिर हम आपको आगे बाबा की नगरी का वीडियो दिखाएंगे, शिवगंगा का वीडियो दिखाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, पेड़ा के शॉप्स हैं, और मंदिर कैसा है वो सब हम आपको आगे की वीडियो में बनाएंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और बने रहे वीडियो के अंत। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको आगे शिवगंगा का भी वीडियो दिखाने वाला हूं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी। ये सामने जो आपको थोड़ा सा गंगा पानी दिख रहा है, ये शिवगंगा है। यहाँ पे लोग पहले स्नान करते हैं, जो भी देवघर जाते हैं पहले स्नान करते हैं। यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर बाबा के मंदिर में पूजा करते हैं। और सामने आप भगवान शिव की मूर्ति भी देख रहे होंगे इस शिवगंगा में। सो यहाँ पर स्नान ध्यान किया जाता है, उसके बाद बाबा के दर्शन किए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम आपको, आप देख रहे होंगे सामने बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ा का शॉप्स है, तरह तरह के बहुत टाइप्स ऑफ पेड़ा यहाँ मिलते हैं, जो कि हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। जब हम पेड़ा परचेस करने जाएंगे तो हम शॉपकीपर से भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और बाबा धाम की गलियों में हमारे महादेव के घर में पेड़ा बनाया जा रहा है। वहीं से है और फाइनली हम बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं। ये सामने जो द्वार है उसका नाम है सिंह द्वार। तो पहले आपको यहाँ जूता चप्पल खोलना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और फिर पैर हाथ धो के फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शंकर का मंदिर, माँ पार्वती का मंदिर, माँ पार्वती का मंदिर और यहाँ भगवान शंकर का मंदिर, दोनों का गठ जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव। माँ पर
पार्वती का मंदिर, इधर जय भगवान भोले का मंदिर। निकल रहे हैं, इधर भी मंदिर है और हम इधर से, यहाँ बाबा भोले का मंदिर है, यहाँ माँ पार्वती का मंदिर है और हम लोग बाहर निकल रहे हैं अभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभु, हर हर महादेव, हर हर शंभु, हर हर महादेव, हर हर शंभु, हर हर शंभु। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा नहीं, आप कुछ बढ़िएगा सर, ये तो 100 रुपये के जी है और ये लेंगे 325 का है। इतना नहीं चलेगा, तुम्हारा किलो घर में भी तो बच्चा दे दिया। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हम आए हैं गंगा साह पेड़ा भंडार में, जो कि देवघर में है। यहाँ पे आपको हर क्वालिटी का पेड़ा मिल जाएगा, और जो शॉप के ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि भैया ये जो पेड़ा है किस किस रेंज का है और क्या क्या इसमें मिलता है, आप ये बता दीजिए। 220 का है, 280 का भी है। ठीक है, और 220 और 280 में क्या डिफरेंस है? इसमें 300 ग्राम चीनी रहेगा, उसमें 100 ग्राम चीनी रहेगा। अच्छा, चीनी का डिफरेंस है, और किसी चीज़ का डिफरेंस? खोआ एक ही रहता है। खोआ एक ही रहता है, ठीक है। तो आपका ये परमानेंट दुकान है यहाँ पे? परमानेंट दुकान है अमरनाथ गंगा से। ठीक है, ये इनका दुकान का, ये बाबा बैजनाथ का मेन गेट है इधर, इससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे, यहाँ पे है गंगा साह। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम अशोक है। अशोक, अशोक जी से मिलिए। पेड़ा मैंने टेस्ट किया, देखा पेड़ा बहुत ही टेस्टी है, और आप कभी भी आएँ देवघर तो इनसे ज़रूर मिले, लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। हाँ ठीक है, दुकान के ऑनर उधर बैठे हुए हैं, आप अपना कार्ड दिखा दीजिए एक बार। ये इनका कार्ड है, इसमें आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हैं अभी एक शॉप है यहाँ पे, जिसमें कि भूख लगी थी बहुत है, तो हमने मंगाया है सत्तू का पराठा, प्योर वेज है। सत्तू का पराठा के साथ दिया है आलू की सब्ज़ी, आलू का भुजिया, चटनी, अचार, और हमने मंगाया है दही। तो पेड़ा वाला जो दुकान था उससे 5 से 6 दुकान आगे ये दुकान है। आपके दुकान का क्या नाम है, शॉप का?
हाँ, ये इस होटल का नाम है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि होटल। ठीक है, ये दही भी आ गया, सब डाल दो, सब डाल दो, गुड, दही भी आ गया। अब हम ट्राई करके देखते हैं कैसा है टेस्ट। बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं, फिर मिलते हैं आगे के शॉर्ट्स में, तब तक के लिए बाय।